आपको नोटबुक लेना है और प्रैक्टिस करना है कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वह इंग्लिश में बात करेगी, हम लोग चाय पिएंगे, कल हम लोग योगा करेंगे, कल मैं किताब खरीदूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। इस तरह का सेंटेंसेज आप नोटबुक लिखिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, और इसी टेंस का मैं चाहूँगा कि निगेटिव भी पढ़ा दूँ ताकि एक साथ जो है सारे प्रैक्टिस हम लोग कर सकें। निगेटिव सेंटेंस तो याद रखिएगा, निगेटिव में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नहीं लगा रहेगा। जैसे वहाँ कह रहे कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो निगेटिव में हो जाए कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वह सोमवार को नहीं आएगी, बस नहीं लगा रहेगा। तो नहीं के सिचुएशन में क्या करते हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखेंगे और शैल प्लस विल, और निगेटिव है तो यहाँ नॉट कर देंगे, प्लस V1 और OW, मतलब अदर वर्ड्स। थोड़ा सा समझ लेना है बाबू कि शॉर्ट में जो है शैल और नॉट को क्या कहते हैं और शॉर्ट में विल और नॉट को क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेना है। ओके, तो याद रखना है बाबू, शैल प्लस नॉट इक्वल टू शांट। लिखने का तरीका ये होगा और बोलने का तरीका शांट होगा, ठीक है ना। जैसे आप कहेंगे कि आई शांट गो देयर, वी शांट गो देयर। ओके, और दूसरा याद रखना है बाबू कि विल प्लस नॉट इक्वल टू वोंट, यानी कि विल और नॉट को क्या बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। जैसे कहेंगे कि सी वोंट गो देयर, She won't come on Monday. She won't learn English. He won't learn English. She won't take tea. Okay. ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे कहा जाए कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो क्या कहेंगे, शांट का यूज कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो कहेंगे बाबू कि आई शांट गो देयर, इसी का मतलब है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। We shan't go there, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। कहा जाए कि वह वहाँ नहीं जाएगी तो क्या कहेंगे बाबू, सी, आई इसके साथ won't लग जाएगा, सी won't go there, वह वहाँ नहीं जाएगी। अगर किसी पुरुष को कहना होगा तो ही कहेंगे, ही won't go there, वह वहाँ नहीं जाएगा। कहा जी कि वे लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो वे लोग का अंग्रेजी होता है बाबू दे, कहेंगे दे वोंट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे राम वहाँ नहीं जाएगा तो कहेंगे राम वोंट गो देयर, सीता वोंट गो देयर, सीता वहाँ नहीं जाएगी। मैं गो पर इसलिए बना रहा हूँ बाबू ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए सबके साथ गो लगाया हूँ, आई शांट गो देयर, वी शांट गो देयर, सी वोंट गो देयर, ही वोंट गो देयर, दे वोंट गो देयर, राम वोंट गो देयर, सीता वोंट गो देयर। मैं सबके साथ गो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। गो क्या है बाबू, एक एक्शन वर्ब है, तो कोई भी एक्शन वर्ब ले लीजिए और निगेटिव सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए प्ले, अगर पॉजिटिव पर बनाना है तो बोलिए कि आई शैल प्ले क्रिकेट। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।